कुछ अलग ही एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है। तो जी देहरादून में अपनी पहली सुबह हो चुकी है और देख रहे हो हालत, देखो भाई पूरे डाइट वाइट भी फॉलो करनी पड़ रही है। ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, अभी अंडे वंडे लेके आया था मैं, सो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो अब बैठेंगे ब्लैक कॉफ़ी और इसमें मैं थोड़ी सी ब्रेड वगैरह सेक दूंगा क्योंकि टोस्टर नहीं है यहाँ पे, सो कोई नहीं, बट शुरू करते हैं और उसके बाद निकलते हैं घूमने के लिए। आज देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो जी बहुत ही खूबसूरत सुबह, बट मौसम ने ना बहुत परेशान कर रखा है यार। मतलब मैं अभी शिफ्ट करके जस्ट ख़त्म करी है, 10 मिनट हुए हैं, और मैंने सोचा मैं मसूरी की तरफ निकलूँगा सुबह सुबह ही ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम मिले मुझे एज़ कम्पेयर टू दिन में। तो मैंने सोचा भाई चलते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो मौसम ना कुछ और ही चाह रहा है। ये देख लो आप, वहाँ से पूरा क्लाउड से कवर्ड है, ये नीचे आ गए हैं बादल सारे, सो कैसा रहता पता नहीं। बाकी मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया और कॉफ़ी भी उठा लिया, तो फटाफट निकलते हैं। अब लिया था मैंने, अब यार लेट तो हो गए बट स्टिल। तो जी फाइनली मैं निकल चुका हूँ मसूरी के लिए एंड अब देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि मौसम तो बहुत ही ख़राब सा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। मसूरी मैं 5 साल बाद आ रहा हूँ खुद, तो मेरे को एक दो जगहें पता चली हैं जो बिल्कुल नहीं है, मतलब किसी ने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, और किया भी है तो व्लॉग्स में तो मैंने नहीं देखा है, बट ठीक है चेक करते हैं। मैंने भी वीडियोस में ही देखा एक दो, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह की, तो उसमें पता चला कि भाई ये दो जगहें भी हैं। अरे मैं तो भूल गया, वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज एडवेंचरस ट्रैवलर एंड आज एक्सप्लोर करेंगे मसूरी को। तो जी अब ऐसा है कि मसूरी की जो हाइट है ना वो एकदम से स्टीप जाता है पूरा, और ना उसकी वजह से रोड ज़्यादा लंबी नहीं है, डिस्टेंस भी उतना नहीं है, लेकिन कर्व्स बहुत ज़्यादा है और बहुत डेंजरस है और बहुत ब्लाइंड कर्व्स हैं। तो जब भी मसूरी आओ थोड़ा ड्राइव ध्यान से करना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आराम से पहुँच जाओगे, 1-1.5 घंटा लगेगा देहरादून से, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। बाकी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ जो क्लाउड फॉर्मेशन है और ग्रीनरी है बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो जी वाटरफॉल से तो मैं आगे निकला है, लेकिन ये देख रहे हो आई एम ऑलमोस्ट ड्राइविंग बिटवीन द क्लाउड, नो इन बिटवीन द क्लाउड्स, बीच में चल रहा हूँ एकदम मैं, और पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ की जल्दी है। ये मौसम को एंजॉय क्यों नहीं करते लोग, मुझे ये समझ नहीं आता, थोड़ा ड्राइव एंजॉय करना चाहिए। बाकी भाई बहुत ही सूदिंग लग रहा है। ये मेन रोड है और ये रोड मुझे दिखा रहा है कि भाई नीचे जाओ। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक है, चलो।
ट्राई कर लेते हैं भाई, ऊपर चढ़ाने में जान निकलेगी हमारी और कुछ नहीं, क्योंकि 4x4 तो है नहीं और रास्ता बहुत पतला लग रहा है मुझे, मुड़ने की जगह मिल जाए बस। ओ भाई साहब, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है भाई, क्या बात है, बच्चे खेल रहे हैं, माय गॉड। और अब हम बुद्धा टेंपल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं भाई। रोड बहुत ही पतली है, बहुत ही नैरो है, मतलब अगर कोई होगा ना जिसे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है उसका तो मज़ा आ जाएगा यहाँ गाड़ी चला के, एकदम सारी ट्रेनिंग एक ही बारी में हो जाएगी, या तो उसके बाद वो दूसरों को मारेगा या खुद को बचा लेगा। बस गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, इस रास्ते से आया था मैं, और भाई रास्ता बहुत नैरो है यार, बहुत नैरो है। और ये है बुद्धा टेम्पल एंड थोड़ा सा ऊपर चढ़ के दलाई लामा हिल्स। सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मैंने सुना है। सो आज देख भी लिया जाए कि कितना ही खूबसूरत है और आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया जाए। ये सामने मोनेस्ट्री है, पर मोनेस्ट्री में बाद में आऊँगा, और ये नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन थोड़ा मेहनत का काम पहले कर लिया जाए। दलाई हिल्स का रास्ता ये जाता है, इतना लंबा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई थक वक जाऊंगा। और ये है भाई दलाई हिल्स, मतलब देख रहे हो फ्लैग्स वेव कर रहे हैं हवा के साथ, कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं बुद्धा टेंपल, और एक बुद्धा स्टैचू है यहाँ पे दलाई हिल्स, और बुद्धा टेंपल नीचे है, मोनेस्ट्री है वो भी अभी अभी बनी है। और ये जो आपको दिख रहा है स्टैचू, ये अभी मार्च में ही बिल्डअप हुआ है, इससे पहले एक बहुत छोटा स्टैचू था जो 2014 में बनाया गया था, एक कोने में ही था वो, लेकिन ये अभी मार्च में बनाया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्लाउड फॉर्मेशन जो आपको दिख रही है बहुत ही सूदिंग है, वाओ मैन। मेरे को लगता है मेरी किस्मत में ही माल रोड घूमना नहीं है, मतलब यार जैसे ही मैंने माल रोड का प्लान बनाया, देख रहे हो बारिश शुरू हो गई, और भाई पूरा क्लाउड्स के बीच में विजिबिलिटी एकदम ना के बराबर है, अगर गाड़ी ये थोड़ी सी दूर चली जाए ना तो दिखेगी नहीं मुझे। देख रहे हैं आप, यही वजह है कि मैं कहीं भी रुक नहीं पा रहा, कहीं भी जाने का प्लान नहीं कर पा रहा। आज वो तो किस्मत थी कि भाई जब मैं दलाई हिल्स पे गया तो वहाँ बारिश का मौसम उस टाइम नहीं हो रखा था, बट अब देखो कितनी तेज़ बारिश है यार, कितनी तेज़ बारिश है, पता है मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया। मतलब जिस पर्पस के लिए मैं आया था ना, वो थे मेरे वीक ऑफ्स पे मैं एक्सप्लोर करने जब निकलूँगा, बट जैसे हालात हैं और जो वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग तो भाई बाहर निकलना बहुत गलत सीन है इस वेदर में, वो भी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाना। तो देखते हैं यार क्या प्लान रहता है आगे चल के, बाकी फ़िलहाल तो अभी बस जहाँ मैंने अपार्टमेंट लिया हुआ है वहाँ पहुँच गया हूँ मैं, मन ही नहीं किया कहीं रुकने का यार, बारिश ही इतनी तेज़ हो रही है, क्या ही कहूँ। चलो कोई नहीं, देखते हैं जैसा होता है, आगे आपको अपडेट देता ही रहूँगा कि मैं बारिश में देहरादून में ही अपना वक्त बिताऊँगा या कहीं आगे भी जाऊँगा। ये कोई मतलब दिन नया नहीं है, दिन वही है, सेम है, बस शाम में मैं बाहर निकला हूँ कि मैंने सोचा था कि कैफ़ेज़ वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, तो जो कि मेरे होस्ट हैं एयरबीएनबी में, उन्होंने एक कैफ़े का बताया था मुझे,
तो जी मैं वहां पे आ चुका हूँ अभी बेटा, गाड़ी पीछे चली जाती एंड ब्लैक ब्यूटी इज लुकिंग ब्यूटिफुल सी मैन ये। और हम आए हैं कम्यून कैफे में। सो काफ़ी तारीफ सुनी थी इस कैफ़े की मैंने, होस्ट ने काफ़ी कुछ बोला था कि भाई बहुत अच्छा है और डेकोर से मुझे लग भी रहा है और मेरे ख्याल बर्थडे वगैरह भी है किसी का तो डेकोरेशन वगैरह और ज़्यादा फाड़ लग रही है। तो जी अंदर चलते हैं एंड लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ यार। और जी यही वो रोड है मसूरी रोड जिससे लोग मसूरी जाते हैं और माल रोड घूमते हैं, समझ रहे हो ना आप मेरी बात। और देहरादून वालों के लिए तो वीकेंड का सबसे फेमस हब है मसूरी। और अब अकेले आया हूँ तो यार अकेले एक्सप्लोर करने निकलना पड़ेगा मुझे कैफे, क्योंकि होस्ट ने बोला है तो मुझे लग रहा है यार बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ में मैंने एयरबीएनबी लिया हुआ है उससे 500 मीटर्स के करीब ही है, पीछे आना पड़ता है आपको देहरादून सिटी की तरफ। अंदर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फाड़ लग रहा है वैसे एंड वाओ दिस इज़ रियली गुड यार ऑसम। देख रहे हो मतलब डेकोर कितना प्यारा कर रखा है यार इन लोगों ने, बहुत ही ऑसम यार, बहुत ही ऑसम। सही है मेरे ख्याल आउटडोर सिटिंग भी है बट बारिश हो रही है तो मे बी आउटडोर सिटिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जी बैठते हैं और थोड़ा स्वाद लेते हैं यहाँ का। तो जी ये कुछ आउटडोर सिटिंग है उसी कैफ़े की जिस कैफ़े में मैं अंदर बैठा था। बारिश अब बंद हो गई थी बट सीट्स वगैरह ऑब्वियसली गीली हैं बट मैं इसलिए यहाँ बैठ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कितना ही अच्छा डेकोर किया हुआ है एंड दिस गुड वाइब्स ओनली एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बाकी जी अब थोड़ी देर में यहाँ से चलते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराता हूँ। भैया को बुलाया मैंने कि भैया थोड़ी ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर दो इसके साथ, तो जैसे ही भैया आते हैं फिर क्लिक करवाते हैं। तो जी जहाँ हमने पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं, दैट इज़ कलसांग कैफ़े। सो भाई अब कुछ चाइनीज़ ट्राई किया जाए मैंने सोचा, तो कलसांग कैफ़े आए हैं तो चलते हैं अंदर। मैं यार अकेले अकेले इतना खाना खा रहा हूँ मैं फट जाऊँगा पता है किसी दिन, लग रहा है मुझे। हाँ गाड़ी अच्छी लग रही है, अच्छी है गाड़ी मेरी, अच्छी लग क्या रही है सेक्स। आई थिंक आई गॉट लिटिल कन्फ्यूज्ड, ये कलसांग कैफ़े है एंड मैंने यहाँ जाना है, कलसांग तिब्बतियन चाइनीज एंड थाई कुजीन ये है, यहाँ जाना है अपर स्टेयर्स, अपस्टेयर्स। आई लव कलसांग मैन, वाओ दिस प्लेस लुक गुड मैन, नाइस बहुत सही है। आई थिंक सिटिंग बहुत ही तगड़ा है, और ये तो आप लोगों को पता ही होगा लद्दाख वदाख में हमने देखे होंगे ब्लेसिंग्स के लिए जब भी हम बुद्धिस्ट टेंपल जाते हैं तो उसमें ये यूज़ करते हैं। मतलब इससे होता है कि भाई आपकी प्रेयर्स सुन ली जाएंगी। तो जी हल्की हल्की बारिश तो कंटिन्यूसली हो ही रही है और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी अच्छा हो गया, लेकिन अगर मैं पहाड़ों पे ज़्यादा ऊपर जाऊँगा तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। मतलब लैंडस्लाइड का ना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब सूखा होता है, कोई बारिश वारिश नहीं होती तब की। बट अब देखते हैं कैसा रहता है, दो दिन है अभी बीच में, वीक ऑफ पे जाने का प्लान है मेरा। बाकी जी अभी फ़िलहाल रूम पे जा रहा हूँ मैं, बहुत ही थक गया हूँ और बहुत ज़्यादा पेट भी भर लिया है मैंने। मतलब यार अलग अलग चीज़ें आप लोगों के लिए ट्राई करना, आप लोगों को दिखाना कि कहाँ कहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हो चीज़ों को खाने की, कहाँ कहाँ अच्छी मिलेंगी, उसके चक्कर में ना अपन फट जाता है। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आज हॉल्ट देते हैं, कल मिलते हैं आपसे,
कहीं ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने का होगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो हार्दिक का कॉल आ गया, बेटे डाइट करो।